आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के क्वेश्चन के साथ में, जो आपका गेट 2019 में पूछा गया है. और सेम आपका पैटर्न से गेट 2020 में भी पूछा गया है. सो आपका ये रिपीटेड पैटर्न है. ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि आपके पास में Z125 एक रिंग दे रखी है, इंटीजर मॉडुलो 125, अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन मॉडुलो 125 एंड मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 125. इफ एम इज द नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स एंड एन इज द नंबर ऑफ नोन यूनिट्स, देन एम प्लस एन इज इक्वल टू. तो आपसे Z125 के नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स एंड नंबर ऑफ नोन यूनिट्स जो है उनका सम पूछ रहा है. ठीक है, इसके लिए सिर्फ आपको मैक्सिमल आइडियल निकालने हैं और नॉन यूनिट निकालनी है. जेडन जो आपकी रिंग होती है, इसमें नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स जो होते हैं वो आपके प्राइम डिवाइजर्स ऑफ दिस एन. ठीक है, तो नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स ऑफ एन जो होते हैं वो आपके नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स होते हैं. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एन आइडियल आई इन जेडन इज मैक्सिमल इफ एंड ओनली इफ आई इज जनरेटेड बाई पी. और यहाँ पे पी क्या है, पी आपका एक प्राइम डिवाइजर है ऑफ एन. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास Z125 है, इसका मतलब एन इक्वल टू 125 दे रखा है. इसके प्राइम डिवाइजर कौन कौन से होंगे, सिर्फ 5 होगा. तो हमारे पास एक प्राइम डिवाइजर मिला, इसका मतलब नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स आपके पास में 1 मिल गया. ठीक है, नेक्स्ट हमें पूछ रहा था कि इसमें नॉन यूनिट्स कितने हैं. ठीक है, नॉन यूनिट्स और मैक्सिमल आइडियल का सम है तो हमें नॉन यूनिट भी निकालना पड़ेगा. तो एक रिंग जेडन में आपके नॉन यूनिट्स जो होते हैं, उससे पहले हमें अगर नंबर ऑफ यूनिट्स पता चल जाए तो हम इसका जो Z125 का जो ऑर्डर है उसमें से यूनिट्स को घटा देंगे तो हमें नॉन यूनिट्स मिल जाएंगे. सो इसमें जो नंबर ऑफ यूनिट्स होती हैं वो आपकी फाई एन से मिलता है हमें. ठीक है, तो Z125 में आपके नंबर ऑफ यूनिट्स 5125 हो जाएंगी, जो कैलकुलेट आप होके आपका 100 आएगा. और इसका ऑर्डर आपका कितना हो गया Z125 का, 125, और इसमें से हम यूनिट्स को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो हमारा नंबर ऑफ नॉन यूनिट्स हो जाएगा. तो यहाँ से हमारी एन की वैल्यू 25 आ गई है. और प्राइम डिवाइजर से देखा था मैंने कि मैक्सिमल आइडियल का आपका 1 है, तो टोटल एम प्लस एन आपका यहाँ पे क्या हो गया, 26. ओके, अब आप क्वेश्चन नंबर 24 देखिए. आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम पैटर्न पे ये भी रिलेटेड है जैसा कि अभी हमने गेट 2019 में किया था. ये आपका गेट 2020 में पूछा गया है. ठीक है, तो इसमें आपको रिंग जो दी है वो Z225 दे रखी है. इसमें एक्स जो है आपका नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स पूछ रहा है और वाई जो है नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल यूनिट्स, और देन पूछ रहा है कि एक्स प्लस वाई आपका क्या होगा. ठीक है, तो आपके पास में Z225 जो है वो रिंग दे रखी है, तो इसमें जो नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स होते हैं वो आपके इसके प्राइम डिवाइजर्स ही होते हैं. ठीक है, तो इसके प्राइम डिवाइजर्स आपके कितने हो जाएंगे, 3 एंड 5. ठीक है, ये इसके यहाँ पे 3 और 5 प्राइम डिवाइजर्स हो गए, तो इसके प्राइम आइडियल्स आपके कितने हो गए, 2 नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स. ठीक है, ओके, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि नॉन ट्रिवियल यूनिट्स. तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इसकी यूनिट कितनी है. तो यूनिट अभी हमने देखा था कि जेडन में यूनिट आपका फाई ऑफ एन से देता, तो यहाँ पे फाई ऑफ 225 निकालेंगे तो ये आपका निकल जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, 1 माइनस 3, 1 माइनस 1 बाई 5. ठीक है, तो ये आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 4. ओके, सो आपका ये 120 हो गया. अब ये पूछ रहा है कि नॉन ट्रिवियल यूनिट, तो नॉन ट्रिवियल यूनिट का मतलब है कि इसमें से हम आइडेंटिटी को माइनस कर देंगे. क्यों, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है ऑब्वियसली है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता ही है, वो सेल्फ इनवर्स होती है, तो बट वो ट्रिवियल यूनिट होता है. ठीक है, तो उसको एक माइनस कर देंगे, आपके पास में नॉन ट्रिवियल जो यूनिट हो जाएंगे वो आपके 119 हो जाएंगे. ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 2 और वाई की वैल्यू आ गई 119, तो एक्स प्लस वाई आपका हो गया 119 प्लस 2, 121. ठीक है,